एमपी के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय को पत्र लिखने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रदेश का बंटा धार कर दिया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है, अब जनता उन्हें धक्का देगी। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर रबी फसल में यूरिया के संकट का हवाला देते हुए ध्यान देने का आग्रह किया है, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, आज भी प्रदेश की जनता के लिए वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनते ही आंखों के सामने गड्ढे वाली सड़कें, बिना सिंचाई की खेती, बिना बिजली की अंधेरी रातों की यादें ताजा हो जाती हैं। कमल पटेल ने कहा कि जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खाद के संबंध में पत्र लिखना हास्यास्पद है। तो एक कांग्रेसी दुनिया भर के ढोंग करते हैं, दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा उसमें डीएपी की आवश्यकता, यूरिया की कमी बताई गई है। मैं दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी आप मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, किसानों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो आपने किया है, मध्य प्रदेश को बर्बाद किया तो आपने किया। बंटाधार मुख्यमंत्री कहते थे पत्रकार आपको, और इसलिए 15 साल आपकी सरकार का था पता नहीं चला, और आपको चुनाव प्रचार करने भी नहीं निकाल रही कांग्रेस, क्योंकि दिग्विजय सिंह को देखते हैं तो वही गड्ढे, वही अंधेरा, वही लूट खसोट याद आती है। और 15 महीने कलंकनाथ मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे कांग्रेस की सरकार रही, पिछले बार आपने किसानों को धोखा दिया, 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, तब आपने कमलनाथ को पत्र क्यों नहीं लिखा कि 2 लाख का कर्जा माफ क्यों नहीं किया, कमलनाथ जी इस्तीफा दो। पटेल ने कहा, मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह के राज में किसान परेशान रहे, इसके बाद आए कमलनाथ ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। पटेल ने बताया कि यूरिया की कमी प्रदेश में नहीं है, सहकारी समिति में किसानों को उनकी मांग के अनुसार यूरिया दिया जा रहा है, प्रदेश में यूरिया प्रदाय पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया गया है। आप धोखेबाज नेता, आप झूठ बोलने वाले हैं, और किसानों की बात करने का तो आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है। सोच हुए बिल्ली खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। आपका लोकसभा में सफाया हुआ, कितनी बुरी तरह हारे आप भोपाल से, और इसलिए किसान की जहां तक यूरिया की उसकी बात है तो गांव के किसान का बेटा है कृषि मंत्री कमल पटेल, किसान का बेटा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम पहले किसान है बाद में मंत्री और मुख्यमंत्री है, और इसलिए किसान हमारी प्राथमिकता है करके, और ये कह रहे हो कि वोट चाहते हो, लेकिन आप जनता आपको समझ चुकी है, अब आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपने जनता को धोखा दिया, अब जनता आपको धक्का देगी, और ऐसा धक्का देगी कि कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और कमल खिलेगा, चहुमुखी विकास होगा, शिवराज जी परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।